हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक स्टोरी चैनल। फ्रेंड, आज हम रेडमी का एक बोर्ड है, उसका सिम स्लॉट कैसे चेंज करते हैं वो सीखते हैं। चलो देखिए, इस तरीके से आपको इसके ऊपर की है जो प्लेट है उसको हटाना है। रिमूव कर लीजिए प्लेट को सिम ट्रे की। अब इसको आप हल्के हल्का पेस्ट करके पहले आप इसको अच्छे से फॉइल पेपर से कवर कर दीजिए, ऐसी वगैरह जिससे जले नहीं। अब इसको आप मशीन से धीरे धीरे रिमूव कर लीजिए और इसको अच्छे से सारे जो पॉइंट है उनको क्लियर कर लीजिए। तो साफ करके क्लीन हो गया हो तो इसको एक बार आप वापस पेस्टिंग करके अच्छे से पॉइंट को बना ले। ये नया सिम स्लॉट है, आप इसको पहले इसके ऊपर की जो ये कैप है इसको ओपन कर लीजिए। कैप ओपन करने के बाद इसको आप पेस्टिंग कर लीजिए अच्छे से। इसको सही से रिसोल्ड कर लीजिए। ये आपके मेमोरी कार्ड का स्लॉट है, इसमें डबल सिम का सिस्टम है। मेमोरी कार्ड डबल सिम दोनों सिस्टम लगते हैं। अच्छे से इसको सोल्डिंग कर लीजिए। सोल्डिंग होने के बाद ब्रश से क्लीन कर लिया मैंने एक बार। इसको क्लीनर से क्लीन कर दिया है। उसको आप सही से इसका जो ऊपर की कैप है इसको सेट कर दीजिए। कैप को लगा लीजिए इसके ऊपर। फिटिंग कर दीजिए कैप की और इसको सोल्डिंग कर दीजिए चारों पॉइंट्स की। इस प्रकार से आपको इसको सोल्ड करना है। सॉरी फ्रेंड, छींक आ गई थी मेरे को, जुकाम लग गया है मेरे। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये एक अच्छा ट्रिक है सिम स्लॉट चेंज, सिम ट्रे चेंज करने का। वो सबसे अच्छा और सस्ता सिस्टम है, ऐसे सिम भी आपके मानने लगेगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो चेक करते हैं सेट को आज कि कैसे क्या ये वर्क कर रहा है, क्या कर नहीं रहा है। इसको अच्छे से चेक कर लीजिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए फ्रेंड।